Hello students, good morning to everyone. Now in our last video we have completed our chapter, that is animal around us. Okay, now today we are going to discuss about air. ठीक है, आज का अपना जो chapter है वो क्या हो गया? Air. तो आज अपन बात करेंगे air के बारे में. Air कहाँ से, मतलब कहाँ पे आपको air मिलता है, कैसे उसका use होता है और कैसे अपने को उसकी need होती है, क्या क्या उसकी नीड होती है और कैसे, मतलब अपनी जो लाइफ है उसमें सर्वाइव करने के लिए आपको कैसे इन, मतलब एयर से आप कैसे अपनी जो नीड है उसको फुलफिल कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. नाउ वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ. एज वी नो दैट जब भी आप ब्रीथिंग करते हो, ठीक है, आप फील कर सकते हो, जब आप मतलब ब्रीथिंग करते हो तो आप ऐसा फील करते हो कि कुछ जो एयर होती है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है. ठीक है, फिर आप क्या करते हो, मतलब आप क्या करते हो, जो एयर होती है उसको अंदर लेते हो और बाहर निकालते हो. ठीक है, तो ये क्या करती है, ये क्या करते हो, आप ब्रीथिंग करते हो इस टाइप से. ओके, एंड वी कांट लिव विदाउट एयर. ठीक है, और जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, एयर से ब्रीथिंग करो, तो क्या आप मतलब एक मिनट भी क्या आप मतलब विदाउट ब्रीथिंग रह सकते हो? आप एक बार ट्राई करना. ठीक है, तो आप ये फील करना कि आपको क्या करना, आपको एयर की नीड ही नहीं है, आपको सांस लेना भी नहीं है और सांस छोड़ना भी नहीं है. आप एक बार ट्राई करके देखना, तो आप ऐसे फील करोगे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करोगे. ठीक है, आपको खुद ही ऐसे फील हो जाएगा कि आपको कितनी नीड है एयर की. ओके, ठीक है, तो इसके अलावा जब देखो स्पेशली जब समर सीजन होता है, तो समर में आपने देखा होगा कि जब बिल्कुल भी एयर नहीं चलती है, जब हवा नहीं चलती है बिल्कुल भी, तो आपको इतना मतलब ऐसे फील होता है जैसे मतलब बहुत ज़्यादा स्वीटिंग आपको होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगती है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, मतलब आपको स्पेशली समर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नीड होती है इसकी, आपको गर्मी लगने लग जाती है. ठीक है, और आपको पता है एयर ब्लो हो उसके लिए आप क्या करते हो, फैन ऑन करते हो, एसी चलाते हो. ठीक है, तो उसी से क्या होती है, आपको कोल्ड फील होता है थोड़ा सा. ओके, तो आप क्या कर सकते हो, बिना एयर के आप बिल्कुल भी मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते. इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. ठीक है, और ये अपने चारों ओर प्रेजेंट है. ओके, अपने चारों ओर अगर आप मतलब कोई मतलब कुछ भी थिंग्स को आपके आसपास सराउंडिंग जो भी चीज है जिसको आप देख पा रहे हो, तो उसको भी आप कैसे देख पा रहे हो, एयर से देख पा रहे हो. अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो वो कैसे पहुंच रही है, एयर से पहुंच रही है. ठीक है, इसी टाइप से एयर क्या है, अपने बीच में एक मीडियम है जो अपने को कनेक्ट करता है एक दूसरी मतलब जो थिंग्स है उनसे. ओके, नाउ देखो जब आप मतलब कहीं जब आप बाहर जाते हो, फिर आपके हाउसेस में भी प्लांट्स वगैरह होंगे, तो आप क्या करते हो, जब आप मतलब साइलेंटली जब इन प्लांट्स को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको मतलब ऐसे फील होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी ब्रांचेस वगैरह क्या कर रही है, मूव कर रही है. तो वो जो प्लांट ब्रांचेस है वो मूव कर रही है, उसका रीज़न क्या है. ठीक है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे क्या है, एयर है. ठीक है, एयर हैज़ नो स्मेल और टेस्ट. जो एयर होती है उसमें किसी टाइप का कोई स्मेल नहीं होता है. ठीक है, अब देखो कई बार अब आप बोलोगे कि कभी कभी क्या होता है, बैड स्मेल होती है या फिर कभी कभी गुड स्मेल होती है, लाइक परफ्यूम वगैरह जब आपके पास होते हैं. ठीक है, तो जो एयर होती है वो तो क्या करती है, जो मतलब स्मेल होती है उसको वन प्लेस से अदर प्लेस पे क्या करती है, ट्रांसफर करती है. वो अपनी उसकी खुद की स्मेल नहीं होती है, इसी टाइप से उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है. अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या आपने एयर को कभी टेस्ट किया, तो आप क्या बोलोगे, क्या आपने टेस्ट किया है कभी एयर को, क्या कहोगे आप, अगर आपको को अगर कोई ये पूछे कि आपने क्या कभी एयर को टेस्ट किया, तो आप क्या कहोगे, आपके पास कोई आंसर नहीं हो, क्योंकि एयर को तो आपने कभी टेस्ट किया ही नहीं, तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, ना इसकी कोई स्मेल होती है. और हाँ, जब भी मतलब जब आप परफ्यूम्स वगैरह फ्लोवर वगैरह की जो स्मेल आपको आती है, तो वो स्मेल क्या करती है, वो परफ्यूम से आप तक मतलब अगर परफ्यूम की स्मेल है आपके आसपास, तो वो क्या करती है, उस परफ्यूम की स्मेल को आप तक पहुंचाती है, या फिर फ्लावर की जो स्मेल है उसको आप तक पहुंचाती है. ये एयर की अपनी स्मेल नहीं होती, स्मेल होती. नाउ वी कांट सी और टच एयर. ठीक है, क्या आपने कभी एयर को देखा है, जब आप बैलून मतलब जब आप बैलून में जब एयर डालते हो, या फिर जब आप बैलून को ब्लो करते हो, बैलून फुलाते हो, ठीक है,
आपको ये फील होता है कि इसमें एयर है, इसीलिए ये क्या है, फुला हुआ है, इसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो गई। बट क्या आपने देखा है एयर को? नहीं ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, एयर को देख भी नहीं सकते एंड टच, और ना ही आप उसको टच कर सकते हो, ठीक है, ना ही आप एयर को क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो टच भी कैसे करोगे, वो क्या एक मतलब इसमें काफी सारी गैसेस है वो भी इंक्लूड होती है। वी कैन ओनली फील इट, और हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं एयर को। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज विंड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विंड्स। ओके, नाउ आपने कभी काइट फ्लो की है, काइट को कभी उड़ाया है? एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज ए काइट, ठीक है। अगर नहीं, अगर एयर नहीं होती है, अगर हवा नहीं चल रही होती है, तो क्या आप काइट फ्लाई कर सकते हो? नहीं ना। स्पेशली जब जब मकर संक्रांति आती है, जिस टाइम पे आपको क्या करना होता है, काइट फ्लाई करनी होती है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जिस दिन क्या होता है, एयर नहीं होती, उस दिन आप काइट फ्लाई नहीं कर पाते हो, ठीक है। इसी टाइप से जो बोट होती है, तो क्या बोट जो है वो मूव कर सकती है, जब एयर नहीं हो तो नहीं कर सकती, ठीक है, जो बोट है वो भी मूव नहीं कर सकती। ओके, एंड इसी टाइप से जो लैम्प है वो भी नहीं जल सकता, ठीक है। अगर एयर है तभी ये क्या कर सकता है, एयर से क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, और एयर से ये फिर क्या कर सकता है, जल सकता है, ठीक है। और आपके जो क्लोथ्स हैं वो भी कैसे ड्राई अप होंगे, जो वेट क्लोथ्स, जो गीले कपड़े आपने सुखाए थे, ठीक है, वो कैसे ड्राई होंगे, जब उनको एयर मिलेगी तभी वो क्या होंगे, ड्राई होंगे, अदरवाइज ये ड्राई नहीं होंगे, ठीक है। एज यू कैन सी हियर दिस इज एरोप्लेन। तो आप देखोगे कि जो एरोप्लेन मूव करती है, तो उसको भी क्या होता है, कैसे मूव करती है, एयर में मूव करती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो एयर मूव करती है उस एयर को आप क्या बोलोगे, क्या बोलते हैं अपन उसको, विंड बोलते हैं। विंड हेल्प्स, और विंड क्या करती है, हेल्प करती है अपने को, किस किस में हेल्प करती है, जो कुछ एक्टिविटीज आपको दी हुई है उन सारी एक्टिविटीज में क्या करती है, विंड आपकी हेल्प करती है। ओके, नाउ एक तो देखो क्या हो गई, एक काइट टू फ्लाई, एक काइट की हेल्प करती है, जो विंड होती है वो क्या करती है, काइट की फ्लाई, काइट की हेल्प करती है, और काइट की हेल्प किस में करती है, फ्लाई करने में हेल्प इसकी करती है। ओके, नाउ एन एरोप्लेन टू फ्लाई, और एक एरोप्लेन जो होता है उसकी भी क्या करती है, फ्लाई करने में हेल्प करती है। नाउ द वेट क्लोथ्स टू ड्राई, एज आई टोल्ड यू दैट, आप क्या करते हो, जब जो वेट क्लोथ्स होते हैं उनको आप क्या करते हो, मतलब उनको आप सुखा देते हो एयर के अंदर, ठीक है। फिर वो क्या होते हैं, आफ्टर सम टाइम जब आप देखते हो, तो ये क्या हो जाते हैं, इसमें से जो वाटर जो होता है वो रिमूव हो जाता है। अब वाटर रिमूव होता कैसे है, तो उसकी हेल्प कौन करता है, एयर उनकी हेल्प करती है। ओके, नाउ लाइक एज ए बोट टू सेल इन वाटर, जो बोट होती है वो क्या करती है, वो जो वाटर होता है उसके अंदर मूव कर सकती है, तो वो किसकी हेल्प से कर सकती है, एयर की हेल्प से। ओके, लाइक एज द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल टू रन अराउंड, जो ब्लेड्स होती है विंड मिल की, जो ब्लेड्स होती है वो भी चारों ओर इस टाइप से कैसे घूम सकती है, देखो ये क्या होती है, ब्लेड्स ऑफ विंड मिल होती है इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, इस टाइप से जो ब्लेड्स होती है विंड मिल की, वो इस टाइप से होती है, तो वो कैसे मूव कर सकती है, एयर की हेल्प से। द कैंडल्स और दियास और ए लाइट टू बर्न, जो दियाज होते हैं और जो कैंडल्स होते हैं वो भी किसकी हेल्प से मूव करेंगे, एयर की हेल्प से मूव करेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज विंड एंड विंड कैसे आपकी हेल्प करती है। ओके, सो इनफ फॉर टुडे एंड फॉर द चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।